नागपुर महानगर में कुछ दिनों से पानी की भीषण समस्या जनता को त्रस्त कर रही है, जिसके चलते नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नागपुर महानगर पालिका कार्यालय पर आंदोलन किया गया। इस समय शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे की मौजूदगी में मटका फोड़कर विरोध व्यक्त किया गया। दरअसल नागपुर महानगर पालिका द्वारा OCW नामक कंपनी महानगर में जल वितरित करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अनियमित पानी वितरण साथ ही साथ निर्माण कार्य के नाम पर चलते रास्तों के बीच गड्ढे करने का सिलसिला जारी हो चुका है, जिसके कारण जनजीवन काफी त्रस्त है। जिस OCW ने जनता को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की बात कही थी, आज वह वादा बस कागजों पर सीमित है। ऐसी असंतोषजनक प्रतिक्रिया देते हुए विधायक विकास ठाकरे ने जल प्रदाय अधिकारी श्वेता बैनर्जी के तबादले की मांग की, साथ ही साथ इस व्यवहार को प्रशासक और OCW के मनमाने व्यवहार की उपमा देते हुए सुशासन की मांग की, अन्यथा बड़ी मात्रा में आंदोलन किया जाएगा, यह सूचक इशारा ठाकरे ने दिया। आंदोलन के दौरान भारी मात्रा में प्रशासक विरोधी नारे दिए गए और मटका फोड़कर निषेध व्यक्त किया गया। इस वक्त पुलिस द्वारा कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। नागपुर महानगर पालिका में प्रशासक है और ये प्रशासक के कार्यकाल में नागपुर शहर के लोगों का जीना हराम हुआ है। आप देखते होंगे कि जल प्रदाय विभाग ने OCW कंपनी को इतनी छूट दे रखी है, रास्ते पर कहीं भी खड्डा करते हैं वो बगैर बुझाए चले जाते हैं और लोगों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा अमृत योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन डाली जा रही है, वो पाइपलाइन के वजह से रास्ते कट गए हैं, मगर यहाँ पे श्वेता बैनर्जी नामक जल प्रदाय विभाग की अधिकारी है जिसका इसके तरफ ख्याल नहीं है। ठेकेदारों के साथ इनका संगनमत है और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों को बदलना चाहिए, इनसे काम निकाल लेना चाहिए। यह मांग हमारी है और नागपुर जनता के शहर की जनता को राहत देना। हमारा मांगना पूर्ण होत नाही, हमारा काम चालू आहे, घर टॅक्स एवढा जास्त भरला आहे, पाण्याचे बिल वाढलेले आहे आणि पाण्याचे बिल वाढवलं तर पाणी बरोबर येत नाही, नळाला गडबड पाणी येते, कोणत्या कोणत्या एरियामध्ये पाणी येत नाही आणि ह्या सगळ्या समस्या असल्यामुळे आम्ही जनतेचा या ठिकाणी आलेलो आहे। सर्वसामान्य लोकांना हे परवडण्यासारखं नाहीये, इतकी महागाई वाढली, टमाटरचे भाव वाढले 200 रुपये किलो, भाज्या वाढल्या, सिलेंडर वाढला। माननीय स्मृती इराणीजी, रस्त्यावर 400 रुपये आमच्या काँग्रेसच्या कडे सिलेंडर होता तर त्या रस्त्यावर आल्या होत्या आणि आज कुठंच दिसत नाही, आज 1200 रुपयाचा सिलेंडर झालेला आहे। एवढी महागाई या महाराष्ट्र सरकारने केलेली आहे तर आम्ही त्याचा निषेध करतो। महागाई कमी झालीच पाहिजे, लोकांना राहत मिळालीच पाहिजे, कारण की टॅक्स भरून त्रस्त झाले आहे, महिलांचा बजेट सगळं बिघडलेला आहे, सगळ्या भाज्या महागाईमुळे आमचा सगळा बजेट बिघडलेला आहे। आमचा टॅक्स त्वरित कमी करावा, पाण्याचा टॅक्स, घर टॅक्स आणि बिजलीचे बिल या सरकारने त्वरित कमी करावे आणि सगळ्या ह्या महागाईवर मात करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो आहे।